नमस्ते सर, नमस्ते। मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक तो है मेरे पास कैम्स 264500 शेयर्स हैं सर। ओके, तो अभी उसको क्या है, उसको होल्ड रखना है या फिर उसको और मैं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बढ़ सकता है। दूसरा है मेरे पास HDFC लाइफ के दो कॉल हैं सर, 575 और 570, इससे एग्जिट कर लूँ क्या? पहले दूसरा वाला लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। राजेश जी, 575 और 570 की कॉल ले रखी है हाँ, HDFC लाइफ में, इसमें क्या करें पहले ये बताइए। आई थिंक उन्हें एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर में देखिए, काउंटर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली कि जहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले हो, लेकिन हर लेवल पे, हर उछाल पे इसमें सेलिंग ही आती है। तो ये जो हम कॉन्ट्रा प्ले करते हैं, तो उसके लिए भी एक स्टॉप लॉस की जरूरत होती है। तो मेरे हिसाब से आपकी पोजिशन स्क्वेयर ऑफ है एज फार एज द स्टॉप लॉस इज कंसर्न, तो आप इसमें से एग्जिट करिए। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 500 के एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है। तो जब तक ये 570-575 का क्लस्टर नहीं निकालेगा, तब तक इसमें मूव नहीं आएगा, तो काउंटर में वीकनेस है। आई थिंक इट्स एन एग्जिट। और दूसरा वाला कैम्स, कैम्स में फायदा देखिए इनको? देखिए, कैम्प्स का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है नीरज जी। मैं चेक कर रहा था कि इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 3280 यानी 3300 पकड़ो। मुझे लगता है जब तक ये 3280 3300 इस क्लस्टर के पार नहीं जाता, तब तक इसमें 4000 तक, 3800 से लेके 4000 तक की रैली नहीं बनेगी। हम देख रहे हैं कि इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ये अटकता है। तो फॉर द टाइमिंग मैं ये कहूंगा, चार्ट अभी भी स्ट्रांग है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है। जब तक 3000-3100 का लेवल मेंटेन होता है, तब तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। तो अगर डिप मिले इस लेवल के आसपास ड्यू टू वोलेटिलिटी, यू कैन ऐड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3000। ओके, डिप पे खरीदारी कर सकते हैं 3000 का स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज इसको होल्ड करके रखिए। राजेश जी रुकिएगा, जरा एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। VM